प्रधानमंत्री आदरणीय जसवंत सिंह साहब, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल और महाराष्ट्र से आए हुए जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राज के पुरोहित, सांसद अर्जुन जी मेघवाल, विधायक राजपाल सिंह जी, विधायक कान सिंह साहब और निर्मल जी कुमावत, आदरणीय ओटाराम जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत, पूर्व मंत्री रामनारायण जी डूडी और विधायक पूर्व विधायक ओपी मेंद्रा, टीकमचंद जी कान और जिला अध्यक्ष मेजर पर्वत सिंह जी साहब, और यहाँ उपस्थित इतनी अच्छी संख्या में सब मेरी माताएं बहने, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आप लोगों ने सबने आके यहाँ इतने प्यार से हम सबकी रात देखी और इतने जोरदार स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सब माताएं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मेरे सब बुजुर्गण और भाइयों, आप लोगों को भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। सब लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी कहीं भी स्वागत में कमी नहीं छोड़ी और इतने जोरदार तरीके से अपना प्यार दिया कि मैं तो मानती हूँ कि अब आप लोगों ने हम सबको अपने प्यार का कर्जदार ही बना दिया है। ये तो इस प्यार के कर्ज को उतारते उतारते समय लगेगा, तो आपने इतना जोरदार कर्ज पैदा कर दिया, हम लोगों के कंधे पर डाल दिया, और हम तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बस इसी के ऊपर फिदा हैं। हमको आप दौड़ा सकते हो, जितना भी दौड़ाओ, बस प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहो, अपना साथ देते रहो, और मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा हम लोगों को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। साथ ही रहे। अब आपके बाड़मेर जिला का ये आखिरी स्टेशन है हमारा। 12,000 किलोमीटर हो गए, हमारी ट्रेन चली है पूरे राजस्थान के अंदर, और 12,000 किलोमीटर आज सिवाना के अंदर हमारी माननीय 160 या 161 मीटिंग है, और राजस्थान के पूरे कोने कोने को घूम के जोधपुर में 31 तारीख को हम अपनी यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। इसमें हजारों लोगों ने साथ दिया है और जगह जगह पे कोशिश हमने यही की है, पता ये करने की कि जनता की क्या सुविधाएं हैं, क्या 4.5 साल के अंदर किस सरकार ने किया है और क्या आप लोगों की कमियां हैं जिनको मैं मानती हूँ कि पूरा होना चाहिए था, जो पहले पुराने काम थे वो पूरे हो रहे कि नहीं, और आप किस हालात में अपने क्षेत्र के अंदर हो, यह पूछने के लिए मैं गई। मैंने अभी आपके MLA साहब बेचारे हमेशा हाउस के अंदर बोलते हैं और वो हमारे पास भी आके आज बोले कि इतने सारे हमारे काम हैं, वो सब हम लोगों को काम अपने को करने की जरूरत है, ये काम हमको पूरा करके दीजिए। पर सबसे पहले मेरा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया पीने के पानी पे। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के पीने के पानी का जोरदार अभाव है, और जब MLA साहब ये कह रहे हैं इसका मतलब आपकी जुबान है, और मेरे को ये बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा नाजुक है कि ये समझिए कि जो 3 पेयजल योजनाएं आपने हमारे लिए चालू की थी, सिवाना को सोचते हुए चालू की थी, वो तीनों पेयजल योजना कहीं नहीं गई और हमारे सिवाना को उन किसी भी पेयजल योजना से आज दिन तक फायदा नहीं हुआ है। तो मैं फतवा पता करने को गई कि क्या क्या काम किया, तो सबसे पहले उमेद सागर दवा संगड़ी खंडप परियोजना, इसका मुझे याद है शिलान्यास करते हुए 364 करोड़ की स्कीम थी, और मैं मानती हूँ कि समदड़ी का काम तो हमने तभी कर दिया था, वो समदड़ी की मीटिंग के बाद हम लोगों ने काम चालू कर दिया था और समदड़ी तक तो पानी पहुंच गया है, परंतु ये खंडप के लिए जहाँ जाना था और सिवाना के लिए 56 गांव थे सिवाना के, वहां पहुंचना था, वहां पानी नहीं पहुंचा है और वहां के लोग बिल्कुल ही व्याकुल है। अभी रास्ते में मेरे को गाँव के लोग मिले, मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताओ कि आपको क्या चीज चाहिए जिसको मैं अपने नोट करूं, उन्होंने कहा आप सब चीज भूल जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ हमें पानी पिला दो। मैं समझता हूँ कि पानी अगर आप पिला दोगे तो हमारा सब काम हो जाएगा, आज हमारी ये स्थिति है। इसके साथ साथ पोखरण फलसून सिवाना ये पेयजल योजना 1,000 करोड़ की योजना हमने चालू करने का काम किया था। आज मेजर जसवंत सिंह जी भी यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, मुझे याद है कि जैसलमेर के अंदर
उन्होंने मेरे को ये याद दिलाया था कि ये पुराने सरकार से चली आ रही है, परंतु इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए हैं। आप भी अपने चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर दीजिए। तब मैं तो उस समय दुखी भी हुई, मैंने कहा भानु जी क्या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, परंतु 1000 करोड़ रुपए हम लोग ढूंढ के लाए, उसकी योजना का उसी समय संकल्प किया और हम लोगों ने वो काम चालू कर दिया था जो इस सरकार ने काम को रोक दिया। और अब मैं देख रही हूँ कि जगह जगह पे खुदाई चालू कर दी है, इलेक्शन आ रहे हैं ना, जगह जगह पे खुदाई करना शुरू कर दिया है, पाइप डालना शुरू कर दिया है। ये पुरानी आदत पहले भी करते आए हैं, ऐसे ही चुनाव जीतते आए हैं। और मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि उनने शुरू तो कर दिया है, परंतु जो 103 गांव सिवाना शहर ये जोड़ना था वो आज दिन तक नहीं जुड़े हैं, ना सिवाना को पानी मिला है, ना किसी भी तरीके से इन 103 गांव के अंदर पानी गया है। और वहां के लोग भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारा इसके अंदर कुछ हो जाना चाहिए। तो एमएलए साहब ने एक सुझाव दिया, उनका ये कहना है कि सिंदड़ी में गोयना पर्वत के पास पानी संग्रहण के लिए एक जगह है, वो कहते हैं कि वहां अगर एक चेक डैम बनाया जाए तो बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो सकेगा। मैंने कहा उनको कि भाई इस चीज के ऊपर हम ध्यान रखेंगे और सरकार अपनी आएगी तो उसका तुरंत ही पता करके, और अगर ये हो सकता है तो इसको कराने का तुरंत ही काम कराने की कोशिश करेंगे। मैं मानती हूँ कि 65 साल निकल गए और 65 साल निकलने के बाद ये तो किसी को लगा होगा कि जब ज्यादातर कांग्रेस ने ही राज किया है, क्योंकि मेरा समय निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी का समय निकाल दीजिए, तो ऐसे 53-54 साल 55 साल कांग्रेस को अपन ने दिए हैं। लगे किसी को कि किसी को 55 साल मिल जाए तो मालूम नहीं वो क्षेत्र के अंदर चमन करके रख दे। अरे उधर गुजरात में 15 साल मिल गए तो गुजरात कहां से कहां पहुंच गया। उधर आपके मध्य प्रदेश में वहां बहुत सारे लोगों का गुजरात के साथ काम है और वो सब लोग जाते हैं देखते हैं और वो वहां से देख के वापस आते हैं और जगह जगह पे मेरे को मिलते हैं कि साहब देखिए गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर ऐसा काम हो गया तो हमारे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 10 साल मिले और 10 साल में मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, और 53 साल हमको मिले राजस्थान में कांग्रेस के, और कांग्रेस ने हमारी कहां स्थिति बना के रख दी, कैसे गड्ढे के अंदर घुसा के डाल दिया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। 53 साल अगर हम लोगों को मिल जाते, भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि हम लोगों ने उसको चमन करके छोड़ना था। मुझे बहुत दुख की बात है, हम क्या करें। मैंने आगे चल के उन लोगों से ये भी पूछा कि मेरे को बताओ कि बिजली की क्या स्थिति है, तो गांव वालों ने मेरे को ये कहा कि हमें तो घरेलू बिजली तो बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना ट्रिपिंग होता है कि अगर आप ये समझिए कि 7 घंटे और 10 घंटे की बिजली भी आ रही है तो इतनी ज्यादा ट्रिपिंग हो जाती है कि वो बिजली से मुसीबत ही है। इसी तरीके से मैंने पूछा कि किसान लोगों को, ये कांग्रेस वालों ने अपने उस मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर ये लिख के छोड़ा है कि हम पूरी तरह से बिजली जितनी किसान को जरूरत पड़ती है उतनी हम उनको देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों, किसी को 8 घंटे बिजली यहाँ मिल रही है, मिल रही है किसी को? किसी को नहीं मिल रही है। और किसान भाइयों को उन्होंने ये कहा है, लिखित में कहा है कि हम अपने घोषणा पत्र में वादा करते हैं कि 8 घंटे बिजली हम किसानों को देंगे। नहीं दी उन्होंने आज तक। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये वादा खिलाफी है। और इसी तरीके से मैं माता बहने आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने वादा किया था उस समय जब हमारी सरकार चली गई कि 5-6 महीने हमको और मिल जाते हैं तो ये आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और आज मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ, सरकार अपनी आएगी, हम सबसे पहले आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, आपको घर के अंदर आपको बिजली आपको मिलेगी। इस तरीके से नहीं होगा कि आपके यहाँ ट्रिपिंग हो जाए, बिजली ना आए, बच्चे ना पढ़ सके, ऐसी स्थिति नहीं होगी। और मैंने कहा है यहाँ आपके ट्रांसफार्मर भी फूक जाते हैं, तो हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफार्मर मिलता था, आज ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। आप जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, और वो भी 10-15 हजार का रिश्वत, अच्छा मोटा रिश्वत होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर मिलता है। कई लोगों ने मेरे को ये कहा कि हम लोगों ने डिमांड नोटिस भरे हुए, गरीब लोगों को ढाणियों के अंदर बिजली मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, डिमांड नोटिस पड़े हुए हैं, किसी को कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है, हाहाकार मचा है पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली को देख के, क्योंकि किसान ये कहता है कि आप हमको पानी भी दे दो और आपको बीज भी दे दो और खाद भी दे दो तो ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे पास बिजली नहीं है, क्योंकि हम बिजली से ही पानी अपना सब कुछ पहुंचा सकते हैं। मैं
आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि किसान की हालत जो हुई है इस सरकार के अंदर, वो और कहीं नहीं हुई है। आज आपको सही तरीके से खाद नहीं मिलेगा, सही तरीके से बिजली नहीं मिलेगा। और मैं पता कर रही थी तो कितनी तो महंगाई हो गई है, जहां डीएपी कहां से कहां पहुंच गया, आपका खाद कहां से कहां, यूरिया कहां से कहां पहुंच गया। और ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम तो किसान की मदद कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पिछले ही 2 महीने के अंदर 2 रुपए तो पेट्रोल बढ़ गया है। पिछले 10 दिन पहले आपके 50 पैसे डीजल बढ़ गया, अभी अभी बढ़ा है। और जो मैंने सुना है वो ये है कि आगे आने वाले समय के अंदर महीने महीने में धीरे धीरे 50-50 पैसे करके इसको बढ़ाते जाएंगे कि जनता को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया है। पर जहां डीजल बढ़ता है, जहां पेट्रोल बढ़ता है, वहां हर चीज महंगी हो जाती है भाइयों। और मैं अभी देख ही रही थी और माताएं बहने बार बार मुझे कह रही थी कि सोना चांदी कहां से कहां चला गया, हम शादियां नहीं करवा सकते, हमको अपने परिवार का सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, और अगर आप चले जाओ तो किसान भी दुखी हो रहा है। किसान भी मेरे को ये कह रहा है कि जिस तरीके से महंगाई हो रही है उतना तो हमें तो पैसा मिलता नहीं है, परंतु जो बाजार के अंदर जाता है हमारा सामान वो दुगना तिगना दाम पे बिकता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा, आजकल प्याज का आपने अखबार में पढ़ा होगा, प्याज के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं। ये तो किसान के लिए भी अच्छा है अगर किसान को वो मिल जाए, परंतु किसान को तो मिले करीबन 5 रुपए किलो और 35 रुपए किलो के हिसाब से आपको शहर के अंदर मिले। मैं यही कह रही हूँ, हरा धनिया का देख लो, हरा धनिया 15 रुपए किलो तो आपको मिलता है किसान को, और 150 रुपए जाके शहर में बिकता है। लहसुन 15 रुपए किलो और वहां बिकता है करीबन 70 रुपए के हिसाब से। माताएं बहने, गैस सिलेंडर आपको हमारे समय में आराम से मिलता था, जितना चाहते हो, आपको चिंता कभी करने की जरूरत नहीं होती थी और 260 रुपए आपको देने की जरूरत थी। आज 9 सिलेंडर मुश्किल से, और आपका एक एक सिलेंडर उसके बाद 750 का तो है, परंतु अगर बाजार में जाओ तो 1000-1200 के नीचे मिलता नहीं। माताएं बहने सब तंग हो गई है, जगह जगह मेरे आके कहती है कि बताओ हमारे लिए क्या होगा। इतने बड़े अक्षर में मैंने पढ़ा कि 30% छूट महिलाओं के लिए बसों के अंदर, परंतु रोडवेज का किराया जो लोकल है वो 45% पर किलोमीटर से 63 हो गया, तो जो बढ़ी गया उसी में 30% आ जाता है, तो आपको उसके पहले नहीं मिलना। इसी तरीके से रोडवेज का किराया अब बढ़ के 52 पैसे प्रति किलोमीटर से 67 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है, वो भी बढ़ गया है। और घरेलू बिजली 3 दफा बढ़ गई है और 5 दफा अघरेलू बिजली वो बढ़ गई है, और 53% बिजली का बढ़ोतरी हुआ है राजस्थान के अंदर। गरीब आदमी जाएगा तो कहां जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और मैं पूछ रही हूं कि आपके इस शहर के अंदर जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो सरकारी अस्पताल के अंदर 8 स्थान में सिर्फ 1 डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है ना, और कितने हैं? 1 डॉक्टर है पूरे शहर के अंदर, 1 ही डॉक्टर है। महिला चिकित्सक है ही नहीं, माताएं बहने, ये तो हमेशा का पुराना राग है, महिला डॉक्टर नहीं है। और पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर जहां जानवर इतने हैं, वो जानवर के लिए 4 तो पशु चिकित्सालय बनाए गए हैं, परंतु डॉक्टर एक भी नहीं है। ये पूरे बालमणि की स्थिति है। वहां मुझे कह दिया है कि आप लोगों को मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई, डॉक्टर नहीं है तो कहां से आएगा मुफ्त जांच और कहां से आएगी मुफ्त दवाई। इसी तरीके से कह दिया अरे वो कुछ नहीं, हमने तो लोगों के लिए तो किया ही किया, पर हमने अपने जानवरों के लिए भी किया, मुफ्त दवाई भी दे दी उनको और मुफ्त जांच भी कराए। अरे अस्पतालों के बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, पशुपालक कोई डॉक्टर ही नहीं है, और आप कहां से मुफ्त जांच उन बेचारों की करोगे? तो कोई भी आएगा जो भी इंजेक्शन लगा के चला जाता है, किसी को तो मालूम ही नहीं है। और जानवरों की क्या हालत हो रही है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर पूरे इलाके को देख लीजिए तो आप लोगों को खुद को मालूम हो जाएगा। और जहां पशु लोगों के लिए आप लोगों को चारा डालने की जरूरत है, डिपो बनाने की जरूरत है, वो कोई करने को तैयार नहीं है। और बाहर दिल्ली के जयपुर के अंदर बैठ बैठ के रोज राग अलापते हैं कि हमने ये भी काम कर लिया और वो भी काम कर लिया। सिवाना में छात्र और छात्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई विषय अध्यापक है क्या? है क्या? कहीं नहीं है, टीचर नहीं है। यही हालत आपकी ग्रामीण स्कूल के अंदर है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मांग की है कॉलेज की, अपने एमएलए साहब कह रहे थे कि सिवाना के अंदर कॉलेज आ जाता है, इतने लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, हम लोगों को अगर मिल जाता है तो बहुत सारे लोग खुश होंगे। मैं कहा एमएलए साहब पहले तो अपन टीचरों का
डॉक्टरों का इंतजाम करें अपनी सरकार आती है तो, और उसके बाद आपको कॉलेज देने में हमें क्या मुसीबत है। अगर लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इधर आने के लिए अपन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कॉलेज देने में हमें कोई मुसीबत नहीं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे युवाओं को, हमने अपने समय के अंदर 10 लाख नौकरियां सब युवाओं को देने का काम किया था। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को नौकरियां दी है। टेट परीक्षा जरूर फंसा दी, ऐसी परीक्षा फंसा दी है कि बच्चे उसी में उलझ जाए और आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि टेट की परीक्षा को अपन उसका प्रबंधन करेंगे और आरपीएससी के बाद वापस जाके, और उस आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले नौकरियों का इंतजाम किया था, वैसे आप लोग सबका नौकरियों का इंतजाम करके छोड़ेंगे। सबसे जरूरी बात हमारी ये है कि हमारी महिलाओं को हम अपने पैरों पे खड़े कर दें। आज अत्याचार से चूर चूर हो रही है महिला, मालूम नहीं जब अपनी बच्ची चली जाती है स्कूल के लिए तो वापस आएगी कि नहीं, ऐसा डर लगता है परिवार के लोगों को। आज स्थिति हो गई है, चाहे जयपुर में हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे पूरे राजस्थान में हो, ये जरूरी है कि हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत वापस मिले और वो स्वाभिमान से जिए, क्योंकि जिस परिवार में उनकी महिला का स्वाभिमान है वो परिवार आगे जाता है, और जो परिवार अपनी महिला की इज्जत को रक्षा नहीं कर सकता वो परिवार आगे जा ही नहीं सकता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इस परिवार का मुखिया हुआ जयपुर के अंदर बैठा है, अगर वो हमारी बहू और बेटियों की इज्जत को ठीक तरीके से नहीं रख सकता तो उसको तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार को नहीं बचा सकता उसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। आपका ये क्षेत्र मेरे को किसान भाई बता रहे हैं कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र, किसान भाइयों ने ये कहा कि हमारे पाला पड़ा, हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई, आपके यहाँ नुकसान हुआ था ना, नुकसान हुआ था, तो मैंने पता करने की कोशिश की थी कि मुआवजा मिला कि नहीं मिला। मिला, वहां जयपुर में तो ये बोला कि आप लोग सबको मुआवजा मिल गया, आप लोगों का पैसा का बहुत बढ़िया पैकेज मिला, बिजली के दाम को कम किया, और आपको ये सहकारी द्वारा लोन 1,50,000 का मिला बिना ब्याज का, नहीं मिला। मतलब किसी को मुआवजा नहीं मिला, बीमा का इंतजाम नहीं है, कोई भी चीज माने जो किसान की जरूरत की चीज है वो किसान को नहीं मिल रही है। ये पहली दफा किसान इस मुसीबत में आया है, और मैं किसान भाइयों को ही कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सबसे पहले हमारे अन्नदाता को उनके पैर पे खड़ा करने की कोशिश करें, और उनको जो किसान और खेत की जरूरत पड़ती है और जिसको फसल वापस ले जाते हो तो उनके लिए जो दाम दिलवाने की जरूरत होती है, इन सब चीजों के ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार अपनी आएगी तो किसानों का भी इंतजाम करने में कहीं पीछे नहीं रहेगी, ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और किसानों की बात, मुझे ये बताया किसान भाइयों कि आपके ऋण में से बीमा राशि काटने के बाद भी फसल बीमा का भुगतान नहीं किया, क्या ये सही है? नहीं, पर क्या आपके ऋण में से काटते हैं, आपके ऋण में से काटने के बाद भी आप लोगों को नहीं दिया, ये क्या सरकार है भाई? मैं तो ये यही कह रही हूँ कि रोज रोज तो मेरे को सुनने को होता है कि राजस्थान में पहली बार क्या क्या हो रहा है, अखबार में आते थे बड़े बड़े विज्ञापन, ये राजस्थान में हो रहा है, ये राजस्थान में हो रहा है, पर कोई क्यों ये नहीं कहता कि पहली बार राजस्थान के अंदर सुरवाल कांड हुआ, पहली बार राजस्थान के अंदर आपका गोपालगढ़ का कांड हुआ, पहली बार इतनी सारी चीजें हुई है राजस्थान के अंदर, हमारी महिलाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है ये पहली बार हुआ, जो एससी और एसटी के साथ पहली बार हो रहा है कि पूरे देश के अंदर नंबर एक प्रदेश एससी और एसटी के ये अत्याचारों में वो है राजस्थान, ये पहली दफा हो रहा है। क्यों नहीं लिखते ये क्यों लिख देते कि हमने ये किया वो किया? और मैं तो कहती हूँ भाई और बहनों कि दो चीज होती है, एक होती है घोषणा, एक होती है उपलब्धि। ये मेरी घोषणा है माताएं बहने कि मैं आपको 24 घंटे बिजली, जब वापस सरकार अपनी आती है तो मैं आपको घरों की बिजली दूंगी 24 घंटे, ये घोषणा है। पर मेरी उपलब्धि ये थी, मेरी उपलब्धि ये थी कि मैंने 18 घंटे से 20 घंटे आप लोगों को जाने से पहले बिजली देने का शुरुआत किया। अब यहां मैं देख रही हूं कि घोषणा और उपलब्धि किसी को समझ में नहीं आती है कि कौन सी उपलब्धि है कौन सी घोषणा है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हम लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कहाँ है घोषणा है वो तो मैं भी समझ रही हूँ, पर उपलब्धि कहाँ है?
और उपलब्धि की कॉलम में आपने उसको डाल दिया है। मैं तो रोज सुबह उठ के 15 घोषणा कर सकती हूँ, परंतु वो घोषणा उपलब्धि नहीं होती और लोगों को इस तरीके से गुमराह करने से किसी सरकार को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार की झूठी बातों को जनता सबसे पहले समझ जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब बात करो, मैंने आप लोग सब जानते हो कि आप लोगों ने भी बहुत बार मेरे से कहा वादा करो, और आपको मालूम है कि ये वादा तो तब करती है जब वो कर सकती है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश में कमी नहीं छोड़ूंगी, पर वादा तो तभी करूंगी जब मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकती हूँ। मैंने कभी वोटों के ऊपर ऐसी राजनीति नहीं की है कि मैं आप लोगों को झूठ बोल दूं और उसके ऊपर फिर आपका वोट ले जाऊं। और ये आजकल जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इससे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं समझती हूँ कि इस राजनीति के अंदर हम लोगों को सबको इकट्ठा होना है,